गुड इवनिंग 9th क्लास। आज मैं आप लोगों को जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है समास, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वैसे मैंने आपको जूम क्लास के ज़रिए भी आप लोगों को ये समझा दिया है, लेकिन उस दिन बहुत सारे बच्चे जो थे अब्सेंट थे, इसलिए मैं अब आप लोगों को ये वीडियो जो है यूट्यूब पे डालूँगी और आप लोगों ने उसको समझने का प्रयास करना है। और कोशिश ये करनी है कि जितनी भी आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं वो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को आपकी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, और आप अपनी समस्याएं भी इस दौरान रख सकते हैं। तो ये है हमारा समास, जिसमें तीन समासें अभी हमारे पास, तत्पुरुष समास, अगले तीन मैं बाद में आपको समझाऊंगी। आज जो है मेन, हम तीन समास थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। तत्पुरुष समास करवाऊंगी, द्विगु समास और द्वंद्व समास, ठीक है। तो समास के छह भेद माने गए हैं, जिसमें तत्पुरुष समास जो है उसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में कारक यानी कि जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप होता है। लोप मतलब वहाँ पे वो कारक चिन्ह नहीं लगते हैं जब हम समस्त पद बनाते हैं, उन्हें ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसके आपको आई होप समझ आ गया होगा कि आपका जो उत्तर पद, दो पद होते हैं इसमें, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, यानी कि पहला भाग दूसरा भाग, लेकिन जो दूसरा भाग है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो उसमें जो है हमारा वो प्रधान रहता है और कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि समास के दो भाग हम मानते हैं, समस्त पद ये जो हमारे समास आते हैं इसके दो पहलू हम फिर अलग अलग करते हैं इनको। एक आ जाता है समस्त पद, समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। समास क्या है, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं, और समस्त पद बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। और अब हमने लिया है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल जो है मैं बताना चाहूँगी, जैसे परलोक गमन। अब इसमें अगर हम इसको विस्तार से थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको होता है परलोक को गया हुआ या परलोक को गमन। तो जो को क्या है, वो आपका कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह है, तो समस्त पद में लेकिन इसका लोप है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर कारक चिन्ह शो हो जाएगा, परलोक को गमन या परलोक को गया हुआ। फिर आ गया हमारा स्वर्गगत, कुछ एग्जाम्पल हैं, आप ये लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। अगर आपको विग्रह दिया गया है और उसका समस्त पद बनाने के लिए कहा गया है, तब आपको समस्त पद में इसका लोप कर देना, यानी कि इसको गायब कर देना और एक शब्द में ही इसका संक्षिप्त आपने लिखना, रूप लिखना है, स्वर्ग को गया हुआ, ये आपका विग्रह है और स्वर्गगत आपका समस्त पद है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, मैं कुछ इसके एग्जाम्पल बताऊँगी, क्योंकि क्लास में हम डिटेल में करते हैं और वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको मैं पूरी एक घंटे की पूरी ये वीडियो करूं, तो इसलिए डिटेल में आप क्लास में सुने। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। इसी तरह आप विग्रह के हम समस्त पद बनाएंगे शब्द, जैसे भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, भयभीत, विग्रह हो गया भय से भीत। आप देखिए कारक चिन्ह आ रही है यहाँ पे आप लोगों के, से जो है आपका कारक चिन्ह आ रहा है, ठीक है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी कि हस्तलिखित। तो इस तरह से ये हमारा है तत्पुरुष समास। इसमें ध्यान क्या रखना है, उत्तर पद प्रधान है और कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है, ठीक है। अब दूसरा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत इजी है। जैसे हम इसमें क्या रहता है कि समस्त पद में दोनों पद, मैंने कहा कि दो पद होते हैं इसमें, पूर्व पद यानी कि दो भाग, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद समान रूप से बराबर ही इनकी महत्ता होती है, ठीक है। और विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और, तथा, व, या इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके बताऊंगी। समस्त पद है जैसे अनजल, अनजल हम लिखेंगे तो इसमें दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, वो समस्त पद है। लेकिन अगर हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो अन और जल हो जाएगा, या अन तथा जल, यानी कि योजक शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही देश विदेश है, देश विदेश योजक चिन्ह आ गया, लेकिन इसका विग्रह हो जाएगा देश और विदेश। ये पहचानने में बहुत इजी है और आसान है। आपने ध्यान रखना है कि दोनों पद जो हैं प्रधान है, यानी कि दोनों की इंपॉर्टेंस जो है वो सेम है, और विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, राइट। यश, यप, यश, इस तरह ये जो युग्म शब्दों का जोड़ होता है, जोड़े वाले शब्द यहाँ जो आते हैं, तो
वो जो है वो आपके विपरीत शब्द भी हो सकते हैं, कुछ आप लोगों के अलग तरह, जैसे सुख दुख विपरीत है, पाप पुण्य विपरीत है, भूख प्यास है, यश अपयश है ना, स्त्री पुरुष है, लिंग भी हो सकते हैं, तो इस तरह से किसी भी रूप में ही हो सकते हैं। जोड़े वाले शब्दों में आप लोग और लगाएंगे, तथा लगाएंगे तो उसका विग्रह हो जाएगा, राइट। अब तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, क्यों? क्योंकि इसकी पहली परिभाषा देखिए आप, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्विगु समास। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं ये लोग, ये चीज़ मैं आपको लिखने के लिए भी दूंगी ताकि आपको पूरी तरह से याद रहे। और इसमें पहला पद यानी कि मैं बोलूँगी चौमासा, ये हमारा समस्त पद है, चार मासों का समाहार यानी कि समूह, ठीक है। तो चार यानी कि संख्यावाची विशेषण आ गया, चौ मतलब चौ का मतलब अर्थ है चार, तिरंगा तीन रंगों का समाहार, राइट। नवग्रह नौ ग्रहों का समाहार, तो सब में नव चौ त्रि, जैसे मैं बोलूँगी त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार या समूह, त्रिवेणी तीन नदियों का समाहार, तो इस तरह के ये शब्द जो है ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीन समास ज़्यादा डिटेल में मैं अभी आप लोगों को बाकी इकट्ठे नहीं करवाऊँगी, आप लोग ये तीन अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद जो आगे के तीन और समास हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाऊँगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, आप इसको लिखने का भी प्रयास करेंगे, मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगी, परिभाषाएं लिखनी है और पांच पांच इसके एग्जांपल आप लोगों ने लिखने हैं। और सभी काइंडली जो क्लास लगती है उसमें आप अपना थोड़ी कॉपरेशन दिखाइए, उसे ज्वाइन करिए ताकि कोई भी आपकी दिक्कत है समस्या है मैं क्लास में डिटेल से उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ऑल दी बेस्ट और नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।